हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल का सबसे बड़ा एक काम होता है, और जितने भी हमारे डिजिटल काम होते हैं और जितनी भी हमारी प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं, ये जितने भी काम करती हैं या जितने भी मैसेज इधर से उधर होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जाती है, ये सारे के सारे काम जो है मेल के माध्यम से ही होते हैं। बिना मेल के माध्यम से कोई भी प्रोफेशनल कंपनी काम नहीं करती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहां पर जो मेल आता है जाता है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है अपने अपने हिसाब से इसको परचेज भी करती हैं। जरूरी नहीं है कि इसको जो है फ्री में ही प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी कंपनियां जो है इसको परचेज भी करती हैं अपने स्टोरेज के हिसाब से। तो यहां पे अगर आप कोई भी एक डिजिटल फॉर्म भरते हैं या कोई भी आप एक फिजिकल फॉर्म भरते हैं, तो आपको मेल की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती होगी। अब यहां पे हमारे इस दुनिया के अंदर एक नया मेल सिस्टम आ चुका है जिसका नाम है ओ मेल। अगर आप किसी भी एक नए व्यक्ति को अगर ओ मेल के बारे में समझा रहे हैं, तो आपको उसको एट रैंडम किसी भी तरीके से डायरेक्ट नहीं बताना है। अगर आप उसको ओ मेल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ना बता करके उनसे आप बातचीत करना स्टार्ट करिए, और बातचीत करते 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 आप उनको ओ मेल पे लेके आइए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि हमें उनको किस तरीके से समझाना है। तो बस यही आज के इस वीडियो के अंदर वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किसी भी एक नए व्यक्ति को किस तरीके से ओमेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है, जिससे कि वो आपसे जो अट्रैक्ट हो जाए और वो जो अपना प्रेजेंट टाइम में कोई भी ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, वो उसकी जगह इसका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के लिए। तो कुछ ऑप्शंस जो आपको पता होने चाहिए ओमेल के बारे में, जी हाँ, कुछ ऑप्शंस वो आपको 100% पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे ओमेल के बारे में या किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो आप किसी भी व्यक्ति को एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं और वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे काम आप चल रहे हैं, तो आप उनको बातों बातों में बोल सकते हैं कि सर, आपकी कंपनी के अंदर ईमेल का सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि जितनी प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं वहां पे ईमेल के द्वारा ही सारे के सारे फॉर्म मेल करना और अपने रिज्यूम को सेंड करना, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना, किसी भी क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मंगाना या कोई केवाईसी करना, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई अगर क्वेरी है, कोई अगर शिकायत है तब भी मेल करना, या आपको छुट्टी चाहिए तब भी मेल करना, यानी कि मेल का एक बहुत बड़ा रोल चलता ही चलता है कंपनियों के अंदर। तो वहां पे बहुत सारी कुछ पार्टिकुलर ऐसी कुछ फीचर्स हैं अपने ओमेल के अंदर जो आपको एक नए व्यक्ति को बहुत ही सही तरीके से समझानी है कि सर, जब आप कोई भी मेल करते हैं तो हमें कभी भी क्या होता है कि उसमें हमें फॉर्मेटिंग की भी जरूरत पड़ती है कि कौन सा हमें बोल्ड करना है, कौन सा हमें कलरफुल अगर मिल जाता है, जैसे कि हम एमएस वर्ड के अंदर कोई भी अगर हम फाइल को टाइप करते हैं तो उसमें हम किसी को बोल्ड कर देते हैं, किसी को ग्रीन कर देते हैं, किसी को रेड भी कर देते हैं, तो इस तरीके से जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है और सामने वाला उस चीज को आसानी से पढ़ लेता है, वो समझ लेता है। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो मैं आपको सर ओमेल के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि एक ईमेल मार्केटिंग के अंदर या ईमेल की इस दुनिया के अंदर एक नया और मेल आ चुका है जिसका नाम है ओमेल, और इसे एक बहुत ही जानी मानी ग्रामी कंपनी है ऑन पैसिव, उसने इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया है और विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इसके जो फीचर्स हैं उसके फीचर्स तो बहुत बहुत ज्यादा जो है अमेजिंग फीचर्स हैं। एक बार अगर आपने इसके फीचर्स को सुन लिया तो 100% आप इसको यूज करने वाले हो, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये पूरी तरीके से फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपसे। और एक और जरूरी चीज, बहुत सारे ईमेल के अंदर एक लिमिटेड स्टोरेज होती है, लेकिन इस ओमेल के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने वाली है। ये चीज आपको उनको पहले बता देनी है, जी हाँ, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने वाली है, क्योंकि सब लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि उनकी एक लिमिट है कि आपको इतने लिमिटेड तक जो है आप अपना स्टोरेज ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ओमेल के अंदर आपको अनलिमिटेड आपको स्टोरेज की व्यवस्था मिलती है। तो पहली चीज तो आपको ये ऐसी बता देनी है। उसके बाद एडवांस फीचर्स जो एआई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है,
यही टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऑटोमेटिक होंगे। उसके अलावा यहाँ पे इनकमिंग मेल जो भी आपके पास आती है सर, जो भी आपके पास आती हैं, तो बहुत सारी मेल्स हमारे पास ऐसी आती हैं कि जो अनवांटेड भी हो सकती हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कभी ना आए, या बहुत सारी हमारे पास आती ही रहती हैं। तो वहां पे डिनाई का और एक्सेप्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको किसको डिनाई करना है, यानी किसको आपको रिजेक्ट करना है, मना करना है, और किसको मेल को आपको एक्सेप्ट करना है। पहला ऑप्शन तो आपको यहां पे ये मिलेगा, डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में कोई भी मेल नहीं आएगा, वो आपके एक्सेप्ट करने के बाद ही आएगा। उसके बाद क्या है कि स्पीच टू टेक्स्ट, इसमें एक नया ऑप्शन मिलेगा आपके लिए। अगर आप उस किसी भी मेल को जल्दी से जल्दी लिखना चाहते हैं तो आप बोल करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोलने में और टाइप करने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जितनी देर में आप 10 वर्ड टाइप करेंगे उतनी देर में आप 100 वर्ड जो है बोल करके भी तुरंत टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इसके अलावा वीडियो मेल, यहाँ पे कंपनी ने अपने बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे कई फीचर्स के साथ साथ इसमें वीडियो मेल की सुविधा दी है। अगर आपकी कोई भी वीडियो, अगर छोटी सी क्लिप बना करके आप मेल करना चाहते हैं तो वीडियो मेल भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 सेकंड की आप वहां पे आराम से वीडियो को आप सेंड कर दीजिए, वो आराम से पहुंच जाती है। उसके बाद इसमें एक और खास बात है, फोल्डर बनाने की बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर, फोल्डर, क्योंकि बहुत सारे मेल जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं तो आप अपना इसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं, और फोल्डर बनाने के साथ साथ आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें लॉक फोल्डर फैसिलिटी भी है, और उसका जो लॉक है वो मैक्सिमम आप 4 डिजिट से या 4 लेटर से या दोनों को मिला करके, यानी कि 4 करेक्टर का आप उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉक फोल्डर फैसिलिटी भी है जो बहुत बहुत ज्यादा कमाल की है, जो आपके पूरे मेल को, पूरे इनबॉक्स को, या जो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वाला ऑप्शन। और भी जब आप मेल करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए तो कुछ आप इमोजीज भी बना सकते हैं इसके अंदर, यानी कि फॉर्मेटिंग की एक पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पे टूल मिलेगा, जिसमें आपके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप टाइप करते समय अपने मेल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट का लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यानी कि उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को जब भी कोई भी लेटर जाएगा, मेल जाएगा, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे कंप्लीट एनालिटिक्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कंप्लीट एनालिटिक्स का मतलब ये है कि कितना मेल आपके पास आए, कितने आपने ओपन करके देख लिए, कितने आपके पेंडिंग में रह गए हैं, और भी बहुत कुछ इसमें, यानी कंप्लीट एनालिटिक्स, पूरा का पूरा एनालिसिस आप इसके अंदर देख पाएंगे। और एक और व्यवस्था इसके अंदर की गई है ऑटो रिप्लाई की। जी हाँ, अगर आप कहीं बिजी हैं और आपने ऑटो रिप्लाई पर आपने कुछ एक लाइन लिख रखी है, आई मेल यू लेटर या आई एम बिजी इन मीटिंग, किसी भी तरीके से, तो जब भी कोई भी मेल करेगा आपके लिए तो ऑटो रिप्लाई में वो सेंटेंस आपके द्वारा ऑटोमेटिक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा सबर हो जाएगा कि हाँ अभी मेरे पास मैसेज आ गया है कि ये अभी मीटिंग में है या अभी रास्ते में है या कोई भी अपने सेंटेंस जो भी आपने टाइप कर रखा है, तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत मेल का ऑटो रिप्लाई पहुंच जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कभी कभी कि यहाँ पे हम जैसे कोई भी हमें हाई लिख के भेजता है तो ऑटो रिप्लाई में कोई भी एक मैसेज पहुंच जाता है, बिल्कुल उसी टाइप की जो सुविधा है वो यहाँ पर भी है। तो इस सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही कंप्लीट मेलिंग सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोग भी होंगे इसको बहुत आसानी से यूज भी कर पाएंगे और अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी जो है समझने की भी व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेस्ट बंगाल में किसी को मेल करना चाहते हैं और वो इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहां पे इस ओमेल के अंदर हमारी अलग अलग लैंग्वेज की भी व्यवस्था है। अलग अलग लैंग्वेज में हम मेल को पढ़ सकते हैं। इट मींस आपने इंग्लिश में कोई भी मेल लिख के भेजा एक किसी अपने बंगाली कलीग के लिए जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वो इंग्लिश नहीं जानते हैं या हिंदी भी नहीं जानते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज जानते हैं, तो आपने लिखा इंग्लिश में,
तो जैसे ही आपने वहां पर मेल सेंड कर दिया तो वहां पर जब वो उस व्यक्ति को मेल मिलेगा एक्सेप्ट करेगा तो वहां पर होगा क्या, वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है ना यहां पर पूरी तरीके से खत्म है। इसीलिए ये जो मेल है आपका जो जो ओ मेल है हमारी कंपनी का ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम का पूरी तरीके से सॉल्यूशन इसमें डाल दिया गया है, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके मेलिंग सिस्टम के लिए। अगर आप मेल के द्वारा बहुत सारा काम करते हैं तो ये आपका एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपको हर टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, सारी प्रॉब्लम का एक कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी ने आप सबके लिए दे दिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये आपके ऊपर रह जाता है कि आप इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि ये तो फ्री है, आप जिस तरीके से ये वाला आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमारा ओमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, इसका कोई आपको चार्ज वगैरह तो देना नहीं है, बस एक रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, वो आप अपने onpassive.com पे जाकर के आप कर सकते हैं या फिर आप लिंक के द्वारा भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नए लोगों को किस तरीके से समझाना है, यानी कि किस तरीके से आपको उनको ओ मेल के बारे में बताना है। तो ऐसे ही पार्टिकुलर हर किसी प्रोडक्ट के बारे में, हर किसी चीज के बारे में मैं आपको समय समय पे जो है बताता रहूंगा, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया आप बिल्कुल वैसा ही उनको बताओ, आप अपनी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसको भी बता सकते हो, लेकिन बस एक आइडिया हो जाता है कि मुझे किसी व्यक्ति से, सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।